अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास बरवक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया। ए यहूदन, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिनते अलहारिस से फरमाया, खुदा की कसम तूने इस गोश में जहर मिलाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से उठे तो यहूदन ने फौरन तस्लीम कर लिया कि उसने इस गोश में सरीउल असर जहर मिला रखा है। ए मोहम्मद, ज़ैनब बिनते अलहारिस ने बड़ी दिलेरी से कहा, खुदाए यहूदा की कसम, ये मेरा फ़र्ज था जो मैंने अदा किया। आज मैं नाकाम हो गई तो कल कोई और कामयाब हो जाएगा। बशर बिन अलबारा रज़ीला तआला अन्हो अपने खल्क पर हाथ रखकर कराठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि उसने बशर रज़ीला तआला अन्हो को फिर उठने ना दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते अलहारिस और उसके खाविंद को कत्ल करने का हुक्म दिया और हैबर के यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शफकाना रवैया अख्तियार किया था वो मंसूख फरमाया और हुक्म दिया कि यहूदियों पर एतमाद न किया जाए और इनके हर कौल व फाल पर नज़र रखी जाए। मौर्रिख इब्ने इसहाक लिखते हैं, मर्दान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। आपने वफात से 2-3 रोज़ पहले उम्मे बशर अलबारा रज़ीला तआला अन्हम से जब वो आपके पास बैठी थी फरमाया था, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो उस यहूदन ने गोश में मिलाया था। मैंने गोश चबाया नहीं था, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बाहिस यही जहर बना था। नसरानी ने यह वाक़या अबू सलमा इब्ने दाऊद और सबको सुनाया। मुझे ये वाक़या याद है, अबू सलमा ने कहा, मुझे अपने तमाम तजुर्बात याद हैं जिनमें हम नाकाम रहे थे। मदीना पर कुरैश का हमला कोई पुरानी बात तो नहीं। मुसलमानों ने मदीने के इर्द गिर्द हंदक को डाली थी। बनी इसराइल मदीने में थे। इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफादारी का यकीन दिला रखा था और मुसलमान इन पर एतमाद करते थे। हमने इस एतमाद से फ़ायदा उठाने की ठान ली। मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक किलानुमा मकान में इकट्ठा कर लिया था। हमारा एक आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए रात के वक्त जा रहा था। वो इस मकान के करीब रुक गया तो उसे हसान ने देख लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बताया कि एक यहूदी मशकूक अंदाज से कड़ा है। वो बनू कुरैज़ा का आदमी था, उसके पास बर्छी थी। सफिया एक डंडा लेकर बाहर निकली और उकब से इस आदमी के करीब जाकर ललकारा। हमारे आदमी ने घूम के देखा और सफिया पर वार करने के लिए बर्छी तानी, मगर सफिया ने फौरन उसके सर पर डंडा मारा। वो तेवरा कर गिरा और सफिया रज़ी अल्लाह अन्हो ने डंडों की ज़रबों से उसकी कोपड़ी कुचल डाली। हमने तो उन मुसलमानों पर जो मदीना में खंदक के अंदर की तरफ रात को सोए या बैठे हुए थे हमला करने की भी सोची थी, लेकिन उस आदमी के कत्ल से ये रास खुल गया कि हमारी नीयत ठीक नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। हमने तो उन मुसलमानों पर जो मदीना में खंदक के अंदर की तरफ रात को सोए या बैठे हुए थे हमला करने की भी सोची थी, लेकिन उस आदमी के कत्ल से ये रास खुल गया कि हमारी नीयत ठीक नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। वो वक्त हमारे लिए ज़्यादा मौजू था। इब्ने दाऊद ने कहा, उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। अकरमा और अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं हुए थे। ये तीनों बड़े दिलेर और असर व सूख वाले आदमी थे और खंदक के मुआरके में मदीने के मुहासरे में शरीक थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बनी कुरैज़ा के इस आदमी को कत्ल किया तो हमारा सारा मंसूबा बेनकाब हो गया। मेरे रफ़ी को
ये मत सोचो कि पहली ही कोशिश कामयाब हुआ करती है, नाकामियां मिलकर कामयाबी की सूरत अख्तियार किया करती हैं। अब हम नए मंसूबे पर अमल करेंगे, बिनते यामीन को कल भेज देंगे। मैं ये तुम्हें भी बता दूं कि हमने एक मुसलमान को मुंतहिब कर लिया है, हमें उम्मीद है कि वो बिनते यामीन के साथ शादी कर लेगा। जिस मुसलमान का ये यहूदी जिक्र कर रहा था वो हबीब इब्ने काब था। वो मदीने में तिजारत के सिलसिले में जाता रहता था और अकाबिर मुसलमानों के मुकर्रबीन में से था। इन दिनों वो कुछ अरसे के लिए अपने गांव आया हुआ था। उसकी दो बीवियां थीं जिनमें से एक किसी ला इलाज मर्ज में मुब्तला थी। उसी के इलाज मुआलजे के लिए गांव आया था। उसका गांव मदीना से 20 मील के लगभग दूरी पर था। यहूदियों ने साजिशों का जाल फैला रखा था। बनू कुरैज़ा का एक यहूदी इस गांव में आया। वो तिजारत की अरसे आया था, तिजारत ही यहूदियों का पेशा था। उसे पता चला कि मदीना का एक अहम आदमी आजकल अपने गांव आया हुआ है, तो उस यहूदी ने उसके साथ दोस्ती पैदा कर ली और सोचने लगा कि उस शख्स को मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल किया जाए। उसकी मुलाकात अबू सलमा से हुई तो अबू सलमा ने यह मंसूबा बनाया जिस पर अब अमल होने जा रहा था। उस यहूदी ने जिसने हबीब इब्ने काब के साथ दोस्ती पैदा की थी, हबीब को एक और शादी करने का मशवरा दिया और उसे ये भी कहा कि वो उसे एक बड़ी खूबसूरत मुसलमान लड़की ला देगा। हबीब शादी के लिए तैयार हो गया था। आम तौर पर कहा जाता है कि अरब जिस्मानी आसूदगी के लिए ज़्यादा बीवियां रखते हैं। ये सही नहीं। अरब दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा नरीना औलाद पैदा करने के लिए ज़्यादा बीवियां रखते थे। उस वक्त ताकतवर उसी को समझा जाता था जिसके भाई और बेटे ज़्यादा होते थे। हबीब भी इन्हीं अरबों में से था। उनकी दो बीवियां थीं जिनमें से एक उसकी दो बीवियां थीं जिनमें से एक किसी ला इलाज मर्ज से उसकी दो बीवियां थीं जिनमें से एक किसी ला इलाज मर्ज में मुब्तला थी और करीबुल मर्ग थी। वो दूसरी शादी का हाजतमंद था। हबीब का ये यहूदी दोस्त अपनी तिजारती माल बेच के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद एक आदमी चादर में लिपटी हुई एक जवान लड़की को साथ लिए उसके घर आया। उसने अपना नाम इब्ने दाऊद ही बताया। उस ज़माने में अरब के नसरानियों यहूदियों और मुसलमानों के नाम एक जैसे हुआ करते थे। इब्ने दाऊद ने कुछ यहूदी ताजिरों का हवाला दिया। मैं बहुत गरीब और लुटा पिटा आदमी हूँ, इब्ने दाऊद ने कहा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिस पर मेरे कबीले ने मुझे मारा पीटा और लूट भी लिया और मेरे कबीले से मुझे निकाल भी दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी उस बेटी को छुपा कर वहाँ से लाया हूँ। तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है, मैं तो उसके हाँ पना लिए हुए था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हें एक बीवी की ज़रूरत है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास लाया हूँ। मैं नौ मुस्लिम हूँ। लेकिन जब उसने इब्ने दाऊद की दास्तान सुनी तो बग़ैर सोचे समझे शादी के लिए तैयार हो गया। उसने लड़की को देखा तो उसने उसी शाम निकाह का फैसला कर लिया। अगले रोज़ निकाह ख्वां को बुलाकर हबीब ने बिनते यामीन को अपने अकद में ले लिया। इब्ने काब इब्ने दाऊद ने कहा, तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार फेंका है जिसके नीचे मैं और मेरी बेटी की इस्मत उछली जा रही थी। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे लिए कोई ज़रिया माश पैदा कर सकते हो तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे पास वापस भी आ जाऊँ। अगर तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं तो तुम मेरे पास रह सकते हो। 10-12 दिनों बाद मैं मदीना वापस जा रहा हूँ, मेरे साथ चले जाना। दोस्तों, आज की किस्त को यहीं पर अहतमाम पजीर करते हैं। अगली मुलाकात में फिर यहाँ से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।